ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिकल पैकेट्स आर ड्रॉप फ्रॉम टू एरोप्लेन्स वन अबव द इक्वेटर एंड अदर अबव द नॉर्थ पोल बोथ एट अ हाई टच पैकेट्स टेक द सेम टाइम टू रीच द दर्फेस ऑफ अर्थ अर्थ के ऊपर गिरने के लिए उनको सेम टाइम लगेगा या नहीं लगेगा एक कहाँ पे गिराया गया है एक इक्वेटर पे गिराया गया है और एक नॉर्थ पोल पे राइट right? एक पोल पे एक इक्वेटर पे ऐसा पैकेट ऊपर से गिराया है, तो उनको टाइम सेम लगेगा कि अलग अलग लगेगा ऐसा पूछ रहे हैं देखो नीचे गिरने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरेंगे ग्रेविटी की वजह से मतलब दे विल हैव सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी राइट जी के जी के वजह से वो गिरने वाले हैं right? राइट मतलब हमको जी देखना पड़ेगा वेदर इट इज अफेक्टेड बाई पोजिशन ऑन अर्थ तो हमारा अर्थ का एक प्रॉब्लम है हमारा अर्थ एक बॉल के जैसा नहीं है राइट right? बॉल में कैसा रहता है बॉल मतलब स्पीयर उसमें रेडियस सेम होती है आप कोई भी पॉइंट से पकड़ लो राइट right? आप पॉइंट uh, ए से पकड़ लो या फिर पॉइंट बी से पकड़ लो रेडियस विल बी सेम रेडियस विल बी सेम फॉर अ बॉल राइट फॉर अ स्पीयर तो रेडियस दोनों के लिए सेम होगा लेकिन हमारी जो अर्थ है ये बॉल की जैसे नहीं है हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से है समथिंग लाइक दिस ये थोड़ा सा मैं एग्जाजरेट करा के बता रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस ठीक है नो no. अब यहां पे देखो रेडियस का फर्क हो रहा है मतलब पोल पे रेडियस अलग लग रही है और जो इक्वेटर है इक्वेटर वहाँ की रेडियस कुछ अलग लग रही है इक्वेटर की जो रेडियस है वो अलग लग रही है अब यहाँ पे कंपैरिजन देखो किसका रेडियस ज्यादा है रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर अभी हमको ये जानना है कि जी का वैल्यू कैसे अफेक्ट होता है रेडियस के हिसाब से तो जी का फॉर्मूला क्या रहता है जी का फॉर्मूला इज जी एम बाय आर स्क्वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम बाई आर स्क्वाज मास रेडियस ऑफ अर्थ तो G का और R का रिलेशन क्या है इनवर्स रिलेशन है ना रेडियस और G का रिलेशन कैसा है इनवर्स मतलब G बढ़ेगा तो G कम होगा है ना अगर R बढ़ेगा तो G क्या होगा कम हो जाएगा और अगर R कम हुआ तो G क्या होगा बढ़ेगा मतलब उल्टा रिलेशन है इनवर्स तो रेडियस किसका ज्यादा है इक्वेटर का तो वहां पे G का वैल्यू कैसे होगा कम हो जाएगा है ना G का वैल्यू वहां पे कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा सो so, जी का वैल्यू ऑन इक्वेटर जी का वैल्यू ऑन इक्वेटर इज लेस देन जी का वैल्यू एट पोल्स है ना सीधा सीधा मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं पोल पे क्या हो रहा है पोल पे रेडियस कैसी है पोल की ज्यादा है तो जी का वैल्यू कैसे होगा ए सॉरी रेडियस एट पोल इज लेस इक्वेटर के कंपैरिजन में रेडियस का जो पोल का जो रेडियस है वो कम है तो जी का वैल्यू कैसे हो जाएगा बढ़ जाएगा और इक्वेटर का इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये हमारा रिलेशन है तो टाइम अलग अलग लगेगा फिर एक्सेलरेशन जहां पे ज्यादा होगा वहां पे टाइम कैसा होगा कम लगेगा तो जहां पे जी ज्यादा वहां पे टाइम कैसा लगने वाला है नीचे गिरने के लिए क्योंकि बहुत फास्ट आ रहा है ना पोल पे जी अगर ज्यादा है एक्सेलरेशन इन टू ग्रेविटी मतलब बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो टाइम बहुत कम लगेगा ऐसे ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने के लिए राइट right? तो टाइम कम लगेगा लेकिन यहां पे टाइम ज्यादा लगेगा बस इतना ही लिखना है अस अंडरस्टैंड दिस ओके पहले रिलेशन लिख देते जी और आर का रिलेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस राइट इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस नाउ अभी पोल के बारे में लिखते हैं एट पोल क्या हो रहा है रेडियस ऑफ पोल रेडियस ऑफ होल रेडियस ऑफ अर्थ एट कोल इज लेस हेंस हेंस जी मतलब एक्सेलरेशन टू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू क्या होगा जी विल बी मो हस ऑब्जेक्ट फॉलिंग हि विल फॉल एट

ये कंक्लूजन लिख देते हैं कंक्लूजन हमारा फाइनल कंक्लूजन पैकेट ड्रॉप एट पोल विल टेक लेस टाइम टू रीच सरफेस ऑफ अर्थ एज कंपेयर टू पैकेट ड्रॉप एट इक्वेटर इक्वेटर पे ज्यादा टाइम लगने वाला है पैकेट को नीचे आने के लिए और पोल पे कम लगने वाला है बस इतना एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है एग्जाम में फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे